से इनको क्या मतलब, इन्हें तो पैसा चाहिए, तनख्वाह बढ़े, सुविधाएं बढ़ें, लेकिन मरीज किस प्रकार परेशान हो रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, हम इस समय हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया, इसकी उम्र 100 साल से अधिक हो गई है। हम इस समय BHU में हैं और यहाँ हड़ताल है, सोमवार से हड़ताल है, आज बृहस्पतिवार है, वीरवार है, गुरुवार है। तो यहाँ मरीज किस प्रकार परेशान हो रहे हैं, जहाँ लगभग 7,500 मरीज नए पुराने रोज देखे जा रहे थे, आज 1,000 की भी संख्या उनकी नहीं है, और जो आ रहे हैं वह घूम फिर करके परेशान हो करके घर जाने के लिए विवश हैं, और जो पुराने मरीज भर्ती हैं उनकी भी छुट्टी की जा रही है। यहाँ स्ट्रेचर पर एक माता जी हैं, कहाँ से आप लोग आई हैं? कहाँ? नंद गाजीपुर से। तो कल से हैं आप? कल से हैं, आज दिखाने की प्रत्याशा में है कि आज शायद डॉक्टर इन्हें देख लें। और भी इधर मरीजों को आप देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। एक दादाजी हैं, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बेतिया जिला से। जी? बेतिया जिला से। बेतिया जिला से। तो कब कर आए बानी आप? हम तो कौन बात, आराम से जी। हम आज 3 दिन हो गया आपका तो डॉक्टर ना देखत हुआ हड़ताल की वजह से। 3 दिन हो गया और 4 दिन हो गया। आप साथ में हैं? आप पति पत्नी आप लोग हैं? हाँ, घर वाले हमारे गए जिले। अच्छा, आप बिहार से ही हैं? क्या नाम है आपका? हमारे बाल सुंदर नाम है। बाल सुंदर जी हैं और दिखाने आए हैं, क्या दिक्कत आपके है? फालिस की बीमारी है। अच्छा, मतलब हाथ वो कुछ काम ना करता? हाँ, थरथरता है, थरता। ऐसे कैल करिए, ऐसे खूब कैल जला। हाँ, ऐसे करब ना तो नस खुली ऐसे। हाँ, ऐसे हमेशा कैल जला। आज जब भी कुछ ना करब तो फिर यह दिक्कत हुई। कुछ न कुछ कैला का आवश्यकता है। पहले तो आप खेती होती करत रहनी, कुदाल फावड़ा चलावत रहनी। तो अब कुदाल फावड़ा ना चला पाई तो खुरपिए चलाई, कुछ करे के चाहिए। हाँ, तो यह देखिए बाल सुंदर जी हैं, 4th दिन। माता जी आप कब से हैं यहाँ? अच्छा, आप भी 4 दिन से हैं। नमस्ते नमस्ते। दिखा नहीं पा रहे हैं, तो यह है देखिए स्थिति मरीजों की। ये लोग आए हैं विभिन्न स्थानों से। माता जी आप कहाँ से आई बानी? बक्सर से आए हैं। आप कब से हैं यहाँ? कब से हैं यहाँ? 10 दिन हो गल। तो डॉक्टर ना देखा पो नहीं, क्या दिक्कत है? दिखा दिए हैं, जो जांच रिपोर्ट है अभी आना है। जांच रिपोर्ट आना है तो हड़ताल की वजह से पता नहीं डॉक्टर उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लंबा डेट डाल दिए हैं। हड़ताल है और हड़ताल का आज सोमवार से है, सोमवार मंगलवार बुधवार आज बृहस्पतिवार है, 4th दिन। अभी कहा है कि हड़ताल हम और आगे बढ़ाएंगे। जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी हड़ताल है, 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के उन लोगों ने हड़ताल किया है। आप कहाँ से आए हैं सर? बिहार से आए हैं। अच्छा, आप भी दिखाने आए हैं? हाँ, कैंसर का मरीज है हमारे पास। अच्छा, अगला मैथी जो आए थे अभी फेक रोज। हाँ, तो उन लोग डॉक्टर लोग रिपोर्ट लिखा तो रिपोर्ट में और रिपोर्ट बाकी लग गया तो हम उसी रिपोर्ट में परेशान हैं। अच्छा, आज वो रिपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। अच्छा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो पता नहीं, देख पाएंगे कि नहीं देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे, यही प्रॉब्लम है। हड़ताल करना अवैधानिक कृत्य है, हड़ताल नहीं किया जा सकता। मैं और आगे बढ़ करके कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ और आपको ले चलता हूँ जहाँ पंजीयन होता है वहाँ ले चलता हूँ। हाँ बताइए। अच्छा है, हमारा बहुत दिन से हम आते रहते हैं। हाँ, अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन का डेट कब डाला गया? सुख बरक काल का डेट डाले हैं, अभी तक कुछ नहीं। कल का डेट डाले हैं तो हड़ताल की वजह से हो सकता है ऑपरेशन ना हो, क्या बता रहे हैं आपको? बता रहे हैं कि देखा जाएगा, अभी ठीक है वैसा वैसा बता रहे हैं। क्या हुआ है बच्चे को? अपेंडिक्स हुआ है। अपेंडिक्स हुआ है, बाल रोग विभाग में आप हैं तो अभी शुक्रवार का डेट है कल का और अभी तक तो कुछ अता पता नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सर। कहाँ से आए हैं? भभुआ जिला से। भभुआ जिला से आए हैं। तो यह है देखिए कल का डेट है बच्चे का ऑपरेशन का, अभी तक पता नहीं है कि ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। कई मरीज ऐसे लौट गए, हमारे भी संबंधों के एक मरीज थे, कल उनका ऑपरेशन होना था माता जी का, कल उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया क्योंकि ऑपरेशन नहीं होगा। दादा कहाँ से आए हैं आप? दिखाने आए हैं? दिखावे अलवा का भल? अच्छा, तो कब करा अलवा? हम 5 साल से दिखाते हैं। अच्छा, 5 साल से।
तो कहाँ के रहे वाला हुआ? जौनपुर जिला का। अच्छा तो आज इला है कि पहले में काल हुआ? अरे बहुत दिन से है। अच्छा तो हड़ताल है पता है? हड़ताल है किसी का? हड़ताल है तो आए वो कंप्यूटर देखेंगे। अच्छा कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर आई बी डी का आएगा पी एल आई वो पी ले बीड़ी क्या करे बुढ़ा हो गए और ही बीमार हुआ ना पिए के तो खत्म होने की उम्र है। अच्छा ये खत्म होने की उम्र है लोग ऐसे ही पीते रहेंगे खाते रहेंगे और देखिए हम आ गए हैं। यह है पंजीयन नगद जमा 20 रुपये देंगे तो यहाँ कंप्यूटराइज पर्ची आपको मिलेगी। यहाँ लाइन लगी रहती थी 8 बजे से पंजीयन शुरू होता है लेकिन यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इधर आप देख रहे हैं जो कमरा नंबर 100 से लेकर के 117 और 201 से लेकर के 302 तक है किसमें क्या क्या है यह बताया गया है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय वाराणसी यहाँ लोग गायब हैं हड़ताल की वजह से और मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जो मरीज एडमिट हैं उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनकी छुट्टी की जा रही है। यह चिकित्सालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए कुछ और मरीज हैं दिखाने आए हैं आप डॉक्टर को दिखाने आए हैं? अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। तो आज हड़ताल है पता है? नहीं पता है ना डॉक्टर देखेंगे ही नहीं परेशान हैं आप। पहले से भी आते रहे हैं आप? आज नए आए हैं। जूनियर डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं पुराने डॉक्टर एक आध घंटे बैठ करके चले जा रहे हैं ऐसे में मरीजों को यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुनः दोहराता हूँ चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। और इधर देखिए मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बीमार ना रहेगा अब लाचार बीमार अब लाचार नहीं रहेगा ऐसा कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने बीमार ना रहे ना रहेगा अब लाचार बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। सर सुंदरलाल चिकित्सालय PMJY के तहत सूचीबद्ध है। यह है प्रधानमंत्री जन दोनों लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों का चेहरा दिख रहा है एक PM साहब हैं और दूसरे CM साहब हैं। अगर तनिक भी आप लोगों के यहाँ LIU की रिपोर्ट जाती होगी पूरी जो भी रिपोर्ट है सब जाती होगी और मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कह करके अपनी जुबान हम क्यों ख़राब करेंगे लेकिन यह जो होर्डिंग लगी हुई है यह हास्यास्पद है और यह चिढ़ाने वाली है चिढ़ा रही है। अगर हम भीतर चलेंगे देखिए अभी कुछ मरीज आए हैं इनसे भी पूछ लेते हैं दिखावे आल नहीं दिखावे आल वाह। चलिए वो अभी देखिए काफ़ी इधर भी तमाम मरीज आ गए हैं दिखावे आल नहीं आप? अच्छा भारतीय कहले हुआ लोग लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे जमालपुर। जमालपुर कोई डॉक्टर नहीं है अभी कोई डॉक्टर। तो किसको भर्ती कराए हैं आप? हम भर्ती हैं कोई डॉक्टर नहीं है हड़ताल है इसलिए कोई देखने नहीं आ रहा दिखाने के लिए। अच्छा आप कहाँ से आए भैया? तो गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर में कहाँ से? गाजीपुर शहर से ही। अच्छा शहर से ही तो आपको पता नहीं था कि हड़ताल है? कोई जानकारी नहीं। सोमवार से हड़ताल है और सब ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है काली पोत लिया है चेहरे पर ऊपर से लेकर नीचे तक और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पिताजी को ज़्यादा परेशान है। चलिए आप दिखा लीजिए आप पिताजी हैं जी। अच्छा तो दिखा लीजिए पर्ची कटवाए हैं तो कहाँ देखिए पर्ची यहाँ कटती है ही नहीं, तो। नहीं पर्ची कटवा लीजिए क्या पता कोई डॉक्टर देख ही ले लेकिन पर्ची कटवा लीजिए जब आए हैं तो 20 रुपये में लगता क्या है। सीनियर डॉक्टर कुछ बैठ रहे हैं एक आध दो घंटे के लिए उसी में हो सकता है देख लें। तो यह है स्थिति हड़ताल अवैधानिक कृत्य है लेकिन हड़ताल करेंगे लोग हड़ताल का अंतहीन सिलसिला है लगातार लोग हड़ताल किए जाते हैं कोई असर नहीं है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए यहाँ अलीगढ़ और कई स्थानों पर डॉक्टरों का हड़ताल है। मेरा सुझाव है हम हड़ताल करेंगे हम धरना और पड़ेंगे कोई हमें रोकेगा नहीं क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की आज़ादी हमको है किंतु हम अपना काम रोक करके ऐसा नहीं करेंगे। हड़ताल का पैसा तो आप लेंगे आप छोड़ेंगे नहीं करना क्या है जैसे 9 बजे आपको हॉस्पिटल पहुंचना है डॉक्टर साहब
हम 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, डॉक्टर लोग 8:30 बजे पहुंचेंगे, आधा घंटा तक हम ललकारेंगे, हम अपनी मांग के पक्ष में प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन जैसे ही 9 बजेगा हमारा समय होगा, हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट होकर के मरीजों के प्रति हम संपूर्ण रूप से अपना योगदान करेंगे। यह है तरीका। हम शाम को जैसे खाली हुए 15 मिनट का हम रोज़ हड़ताल करेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि इनको आईना दिखाने के लिए हम आपकी जो मांगे हैं उसके विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आपकी छुट्टी हुई शाम को, वैसे ही आप 10 मिनट इनके गुड सेंस की कामना करते हुए कहेंगे कि हम काम और बढ़ा करके करेंगे, और भी मरीजों को देखेंगे, 1 घंटा और भी करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं शायद इन्हें शर्म आती, लेकिन आप सब तो ऐसा कर नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। और माना कि मांगी पढ़ाई आपने किया है, करोड़ों रुपए आपने व्यय किया है, लेकिन मरीजों के साथ ऐसा करने का अधिकार किसने दिया आपको? मरीज अगर मरेगा, मरीज ठीक नहीं होगा, मरीज आएगा रात भर चल करके आएगा अपने घरों से, किस तरह से ट्रेन में खड़ा होकर के आएगा, खड़ा होकर के यहाँ लाइन लगाएगा, आपको किसने राइट दिया कि आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? यह तमाम मरीज और मरीज के परिजन के लोग आए हैं और यह दंड भोग रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से? गया जिला से। अच्छा, किसको दिखाना है? अपने दिखाना है। तो आज ही आए हैं? 4 दिन से आए हुए हैं। 4 दिन से आए हुए हैं। पहले भी आए थे तो बोले थे सोमवार। क्या नाम है आपका? राम लखन यादव। राम लखन जी बिहार से आए हैं और 4 दिन से आए हैं, यह दंड भोग रहे हैं। पता नहीं कर क्या रहे हैं, जी तो कर रहा है कि खूब जम करके इनकी ऐसी की तैसी किया जाए, लेकिन अब बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि इन्हें शर्म नहीं आ रही है। दोस्तों हम हैं 25 जुलाई। कार्डियोलॉजी अभी तक 4-5 दिन से सर बंद है वहाँ भी। कार्डियोलॉजी 4-5 दिन से यह है भैया बनारस का हुआ है वहाँ पर। यह है बनारस, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और जहाँ लगातार आते रहते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं और इनके केंद्रीय मंत्री आते हैं। योगी जी अब तक हमें लग रहा है 40 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आए हैं। और यह है भैया कई दिन से क्या बता रहे थे आप? दिन से मैंने बंद है, जब जब जा रहे हैं वो लोग ने कुछ कह रहा है कि जहाँ जाना है जहाँ जाइए, हम क्या करें, हड़ताल है, ऐसा बोल रहे हैं। हड़ताल है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र भगत। लेकर के आए हुए हैं पत्नी को लेकर के आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार से आए हैं, अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं, 4 दिन से टिके हुए हैं और बेशर्मों को शर्म नहीं है। चलिए आज हम 25 जुलाई को हैं और काशी हिंदू जहाँ जाइए। हाँ, यह बात खोल दिया गया है दरवाज़ा प्राइवेट चिकित्सालयों का कि बेटा जाओ और जम करके लूटो, खेत अपना बंधक रख दो, गिरवी रख दो, गहने रख दो, जेवर रख दो, हमसे मतलब नहीं है। यह है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और यह है लोगों को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कराने का एक थोथा नारा। हम कोई आपके विरोधी नहीं है साहब, हम तो आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं जो दिखा रहे हैं। आपके चमचे तो इस बात को दिखाएंगे नहीं, वह तो कहेंगे साहब चारों तरफ एकदम राम राज आ गया है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। मालवीय जी की आत्मा आज आप सभी को कोसेगी, जितना भी मुस्कुराइए और जितना भी हंसिए, यह हंसी आपकी मुस्कुराहट अट्टहास जैसी लग रही है। चलिए आज हमने फिर अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है, पूरे मामले को हम संदर्भित करते हैं, आशा है इन बेशर्म लोगों को शर्म आएगी। धन्यवाद।